जुमला मुहिब्बान अहले बैत, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सभी की खिदमत में ईद ज़हरा ईद शुजा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ है कि बीवी ज़हरा के सदक़े में आप हजरात को हमेशा खुश और हुर्रम रखे और आपकी नेक हाजात को पूरा करे और आपको सेहत और सलामती तंदुरुस्ती और तूल उम्र दे और आप सभी मुहिब्बान अहले बैत को ईद ज़हरा मनाने वाले वालों को जो है वो उनकी रोज़ियों में परवरदिगार आलम बरकत इनायत फरमाए। एक चीज़ की वजाहत मैं और करना चाहता हूँ। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के उन्वान से मनाई जाए या ताजपोशी इमाम ज़माना के उन्वान से मनाई जाए, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि हमारे मज़हब में ताजपोशी का कोई तसव्वुर नहीं है और हमारे इमाम जब पैदा होते हैं तभी वो इमाम होते हैं और ताजपोशी का रवाज जो है वो बादशाहों में राज था, ये हुकूमतों का तरीक़ा है और अहले बैत का तरीक़ा नहीं है। आज का दिन जो है वो ईद ज़हरा के उन्वान से ईद शुजा के उन्वान से मनाइए और आज के दिन अहले बैत को खुश करने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और दुश्मनान मोहम्मद व आले मोहम्मद से ऐलान बरात का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपको और आपके घर वालों को हमेशा ईद ज़हरा मनाता रखे और ईद ज़हरा के सदक़े में आपके दामन को खुशियों से भर दे। मुझे और मेरे घर वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा।